तो कल हमने देखा था साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो थ्री टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस मैंने कल बताए थे, कौन कौन से, फर्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन, सेकेंड ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन और थर्ड वाला करेक्ट। तो व्हाट इज, पहले व्हाट इज मीन बाय फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, इट इज खाली इट इज कॉल्ड एज एन फॉस्फोराइलेशन। अगर एटीपी सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज एन फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कब होगा? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन कब होगा? करेक्ट, इन रेस्पिरेशन केसेस में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। जब होती है तब एटीपी अगर सिंथेसाइज हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन। और लास्ट वाला सबस्ट्रेट लेवल, दैट इज सबस्ट्रेट के थ्रू, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट के थ्रू अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन मीन्स टू से ज़्यादा स्टेप्स अगर ये वहाँ इन्वॉल्व है, 8 स्टेप 9 स्टेप 10 13 14, जो भी मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है उसके बीच में जो भी सबस्ट्रेट फॉर्म होता है, अगर उस सबस्ट्रेट के थ्रू एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज एन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तीनों समझ में आए? तो इस टॉपिक में हम देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट रेस्पिरेशन में देखेंगे ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो कल हमारा हुआ था फोटोफॉस्फोराइलेशन इन केस ऑफ साइक्लिक एज वेल एज इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक। व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट होते हैं वहां अगेन इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, एंटर करते हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज एन साइक्लिक टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की अगेन एंट्री नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज एन नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। समझ में आया? साइक्लिक टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन में कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है? PS1, उसकी वेवलेंथ क्या है? 700 नैनोमीटर, करेक्ट। P700 बोल सकते हो और क्लोरोफिल A700, करेक्ट। और दूसरी PS2 एज वेल एज PS1 बोथ आर इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो कल हमने इन डिटेल देखा था, अब NCERT में जो डायग्राम है वो देखेंगे हम, क्योंकि ये आपको नीट के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ जो सर्कल फॉर्म में दिखाए हैं ओवल शेप में, इट इज कॉल्ड एज एन LHC मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, की जो लाइट एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये कौन सी साइकिल है? नॉन साइक्लिक, ये साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्यों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए वो इस चेन से अगेन NADP ने एक्सेप्ट किया, वो इलेक्ट्रॉन अगेन फर्स्ट LHC की तरफ नहीं आया, hence it is called as a non-cyclic photophosphorylation, ठीक है। तो कल हमने देखा था यहाँ पहला जो क्लोरोफिल ए है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 680, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PS2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PS2। तो फर्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? प्लास्टोक्विनॉन थ्रू फियोफाइटिन, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ETS, और ETC भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मीन्स यहाँ कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है? कल हमने बताया था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ कहाँ, PQ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड PC, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले सिस्टम है। हमने इन डिटेल देखा था कौन कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ PQ से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F2, PC। तो ये कौन सी सिस्टम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाली सिस्टम? इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इतनी इन्वॉल्व है इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन?
पीएस वन में पी 700, ठीक है, पी 700. नेक्स्ट यहां से इमिट हुए इलेक्ट्रॉन अगेन FRS, FD थ्रू FRS. तो ये कौन से सिस्टम है? PS1 फोटो सिस्टम 1. और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? NADP एक्ट एज अ लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर. ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है प्लस ये प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है. क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मींस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो यहां क्या हो रहा है? 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं? 4H प्लस मींस 4 प्रोटॉन प्लस प्लस O2 इवॉल्व. ठीक है, तो यहां जो चार इलेक्ट्रो प्रोटॉन्स फॉर्म हुए वो कौन एक्सेप्ट करेगा? NADP. यहां इस चेन से जो इलेक्ट्रॉन आए वो भी ये एक्सेप्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगेन कहां एंटर करेंगे? इस सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इमिट किए हुए इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं. ये इलेक्ट्रॉन कहां से इस सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं? बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. जो फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो इलेक्ट्रॉन PS2 एक्सेप्ट करेगा. समझ में आया? और यहां क्या इवॉल्व हो रहा है? ऑक्सीजन. ठीक है, और ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आपको दिखाई गई लाइन में, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो लाइन दिखाई गई है, इट इज कॉल्ड एज अ लाइट. PS2 भी एब्सॉर्ब करेगा, PS1 भी एब्सॉर्ब करेगा. यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो है इट इज कॉल्ड एज अ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर फोकस किया जाता है. फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ लाइट रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हिल रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ये सभी पैरेलल वर्ड्स है. ठीक है, तो सनलाइट में दो टाइप्स की लाइट प्रेजेंट है, एक तो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ लाइट प्रेजेंट है और दूसरी वेव फॉर्म. मैंने बताया था वेव एज वेल एज स्कैटर्ड फॉर्म. स्कैटर्ड फॉर्म में जो लाइट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटोन. ठीक है, तो ये लाइट अगेन दो टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे, दैट इज अ कंटिन्यूअस लाइट एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस लाइट. कौन सी? डिस्क्रीट लाइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ लाइट, दैट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस लाइट. तो क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों टाइप की लाइट में से कौन सी लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट दिखाएगी? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर इन कंटिन्यूअस लाइट और डिसकंटिन्यूअस लाइट? नहीं, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस लाइट फोटोसिंथेसिस रेट बिकम्स हाई, और डिसकंटिन्यूअस लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस. नोट डाउन कीजिए, डिसकंटिन्यूअस लाइट इज मोर इफेक्टिव. कंटिन्यूअस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होगा लेकिन कंपैरेटिवली डिसकंटिन्यूअस लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस. इसका रीजन में लाइट एज वेल एज डार्क रिएक्शन की इंटरडिपेंडेंस में आपको बताऊंगी. खाली इतना लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, समझ में? नेक्स्ट ये हुआ साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? क्लोरोफिल A 700, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PS1, करेक्ट. तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो पहला कौन एक्सेप्ट करेगा? FD थ्रू FRS. उसके बाद यहां कौन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? FD टू साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F टू PC, करेक्ट. FD टू साइटोक्रोम B6 F टू PC मीन सेम, यही
सिर्फ यहाँ एफ डी आएगा, पी क्यू की जगह एफ डी। तो इस चेन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, समझ में। तो यहाँ आपको पूछा जाता है रिस्पेक्टिव, इस तरह का स्क्वायर दिया जाता है, जो भी कलर्स है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो ओवल शेप में है ये एलएचसी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर पीएस टू पीएस वन, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पी क्यू थ्रू फ्यू फाइटिंग, यहाँ एफ डी थ्रू एफ आर एस, यहाँ भी एफ डी थ्रू एफ आर एस। ये हमने इस डायरेक्शन से ली थी लेकिन इसका भी मीनिंग सेम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से अगेन क्लोरोफिल ए की तरफ आएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस है, फर्स्ट नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। करेक्ट, पहला डिफरेंस पी एस वन इन्वॉल्व इन साइक्लिक, यहाँ पी एस टू एज वेल एज पी एस वन आर इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड, टू एज वेल एज, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ हमने कल इन डिटेल देखा था, यहाँ दो एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, यहाँ एक एटीपी और दो एनएडीपीएच2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट, नहीं वाटर टेक्स प्लेस, यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। नेक्स्ट, यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एफ डी थ्रू एफ आर एस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पी क्यू थ्रू फ्यू फाइटीन। नेक्स्ट, इतना ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों में, इट इज वेरी डोमिनेंट इन बैक्टीरिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज डोमिनेंट, ये प्लांट एज वेल एज एनिमल में भी है लेकिन मोर डोमिनेंट इन बैक्टीरिया, दैट इज प्रोकैरियोट्स, मोर डोमिनेंट इन बैक्टीरिया, मोर डोमिनेंट इन प्लांट्स, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज डोमिनेंट इन प्लांट एंड साइक्लिक डोमिनेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन अगेन एंट्री कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की अगेन एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। तो इतना हमारा कल हुआ था साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो टोटल इन केस ऑफ लाइट रिएक्शन कितने एटीपी नेट प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों को मिलाकर, 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच2 मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन लाइट रिएक्शन, सिंथेसाइज्ड इन लाइट रिएक्शन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्वांटम रिक्वायरमेंट एज वेल एज क्वांटम यील्ड। स्टॉप स्टॉप।